गाइस एक कंपनी के अंदर एक बुक्स ऑफ अकाउंट का फाइनलाइजेशन कैसे किया जाता है, क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। गाइस मैं मोहन सुतार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट अकाउंटिंग आरएसएनआर में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी एक कंपनी के अंदर फाइनेंशियल ईयर क्लोज के बाद उसका बुक्स का फाइनल डाटा कैसे तैयार किया जाता है, कैसे उसमें ट्रेडिंग अकाउंट तैयार किया जाता है, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया जाता है और कैसे हमारी बैलेंस शीट बनती है। तो गाइस अगर आप अकाउंट्स के बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट हो तो आप इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप किए बगैर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। और गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर देना। तो गाइस शुरू करते हैं एक बुक्स का फाइनल डाटा कैसे तैयार किया जाता है लाइव प्रैक्टिकल के साथ। गाइज अगर हम बात करें भी बुक्स ऑफ अकाउंट का फाइनलाइजेशन यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान हमने कितना सामान खरीदा, कितना सामान बेचा और कितना से स्टॉक हमारे पास बच गया, कितना हमने बिजनेस के अंदर खर्चे करे वर्ष के दौरान, कितने हमारी कैपिटल इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, कितने हमने पर्सनली खर्चे करे और बैलेंस शीट में कितने हमने देनदारियां बची हुई है, कितने हमारे पास एसेट है, कितना हमारे पास कैश इन हैंड है, कितना हमारे पास बैंक बैलेंस है, कितने हमने मार्केट से पैसे लेने हैं या देने हैं। तो गाइस इन सब चीज़ों का हिसाब किताब रखना एक फाइनल अकाउंट्स होता है। तो गाइस जब हम फाइनल अकाउंट्स करते हैं तो इन चार स्टेप हमें फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले हमें ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करते हैं, उसके बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। गाइज इन चार स्टेप को स्टेप टू स्टेप हमें फॉलो करने पड़ते हैं। गाइज और ट्रेडिंग अकाउंट से पहले हमें एक स्टॉक स्टेटमेंट तैयार करना होता है कि हमारे पास कितना स्टॉक बचा हुआ है और उसकी वैल्यू कितनी है। तो गाइज स्टॉक स्टेटमेंट तैयार कैसे किया जाता है इसमें हम समझते हैं। तो गाइज ये हमारे पास स्टॉक स्टेटमेंट हमारा, इसमें हमने कितना माल परचेज किया उसका रिकॉर्ड मेंटेन है, कितना माल सेल किया उसका रिकॉर्ड मेंटेन है और कितना हमारे पास शेष बचा हुआ है इसका रिकॉर्ड है। तो गाइस ये रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया है, जब हमने कंपनी सब शुरुआत में करी थी श्रीश्याम ट्रेडर्स तो उसमें हमने परचेज और सेल्स के वाउचर तैयार किए थे। तो गाइस परचेज से हमने परचेज रिकॉर्ड तैयार कर लिए और सेल से हमने सेल रिकॉर्ड तैयार कर लिए और ये हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। तो गाइस ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालिए, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे निकलती है ये लास्ट परचेज कॉस्ट से निकाली हुई है। ये हमेशा ध्यान रखना है भी किसी भी ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर कोई क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अगर निकाली जाए तो उसके लास्ट कीमत देखी जाती है भी उसको हमने लास्ट जो परचेज किया था वो किस रेट से परचेज किया था यानी कि लास्ट परचेज कॉस्ट उसके आधार पे हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल दी। तो ये टोटल हमारी परचेज है, ये टोटल हमारी सेल है। तो गाइस एक चीज़ का हमें और ध्यान रखना है भी जब हम क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं यानी कि स्टॉक स्टेटमेंट हम तैयार करते हैं तो उसके दौरान जो हमारी परचेज और सेल की जो अमाउंट है ये हमारे बिजनेस का जो लेजर बनता है ट्रेडिंग का उस परचेज और सेल के साथ मैच होनी जरूरी है। जैसे हमने हमारे जर्नल एंट्रियों से हमने लेजर तैयार किया था किराना गुड्स का, इसमें डेबिट साइड 35,471 है और सेल हमारी 10,808 है और ये रिकॉर्ड हमारा स्टॉक स्टेटमेंट में भी आ रहा है। तो ये आपस के अंदर क्रॉस मिलान करना बहुत ही जरूरी है ताकि हमें पता चल जाए हमारा डाटा बिल्कुल सही जा रहा है। और अगर ये स्टॉक हमें क्लोजिंग स्टॉक जो निकालते हैं ये परचेज में से सेल नहीं लेस करना भी, परचेज माइनस सेल अगर हम करेंगे तो हमारे पास स्टॉक की वैल्यू कम आएगी क्योंकि परचेज में से सेल सिर्फ क्वांटिटी माइनस करेंगे। जैसे 20 की हमने पैकेट परचेज किए थे, 15 हमने सेल कर दिए तो 5 हमारे पास बच गया, लेकिन हमें क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो हमारी लास्ट परचेज कॉस्ट से ही निकालनी है। 375 रुपये कैसे आए, हमने लास्ट परचेज हमारी थी 75 रुपये, तो हम 5 को अगर 375 रुपये से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 रुपये ही आएगा। इस तरीके से हमारी क्लोजिंग स्टॉक निकल जाती है लास्ट परचेज कॉस्ट से। और अब इसके बाद हमारा शुरू होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आ गया गाइस, इसके अंदर परचेज ओपनिंग परचेज सेल और क्लोजिंग स्टॉक। तो गाइस ओपनिंग स्टॉक कौन सा हो जाता है यहाँ पे, अगर जैसे हमने बुक्स तैयार कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 19-20 की, अगर हमारे पास रिकॉर्ड होता 18-19 का और अब 19-20 का डाटा तैयार करें यानी कि हमारा बिजनेस 18-19 में भी अगर चल रहा होता तो जो 18-19 का जो क्लोजिंग स्टॉक है ये हमारा 19-20 का ओपनिंग आ जाता। अपने तो बिजनेस ही 19-20 में शुरू किया है तो ओपनिंग तो हमारे पास है ही नहीं, तो ओपनिंग हम लिखेंगे 0 और परचेज की वैल्यू 35,471 ये हम यहाँ से उतारेंगे और जो सेल है हमारी 10,808 ये यहाँ लिख देंगे। क्लोजिंग स्टॉक भी हम स्टॉक स्टेटमेंट से तैयार कर देंगे 27,415 रुपये 31 पैसे का। वह जब इसको निकालेंगे तो ये सेल और क्लोजिंग स्टॉक जोड़ देंगे, इसमें से परचेज घटा देंगे तो ये हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा।
अब ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैरिड फॉरवर्ड होएगा। तो गाइज ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, यानी कि लाभ हानि खाता, बिजनेस के अंदर लाभ हुआ है या हानि हुई है, प्रॉफिट है या लॉस है। तो गाइज सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि हमारा सामान बेचने, खरीदने और बेचने में जो प्रॉफिट हुए वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया यहाँ से ट्रेडिंग अकाउंट से 2752 रुपये 31 पैसे, तो ये हमने यहाँ पे फोड़ लिया है। उसके बाद में हमारे बिजनेस के खर्चे, अब हमारे बिजनेस में सिर्फ दो ही खर्चे थे, बैंक एक्सपेंसेस और शॉप रेंट। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमने जो ट्रायल बैलेंस बनाया था इसमें हमें पता चल जाएगा। तो गाइस ये हमें यहाँ से ट्रायल बैलेंस में पता चल जाएगा कि शॉप रेंट और बैंक एक्सपेंसेस, यानी कि 100 रुपये हमारा शॉप दुकान का किराया और 2500 रुपये हमारा बैंक का खर्चा है, यानी कि जो बैंक ने हमारे चार्ज लगाया था तो उसको हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे, बैंक एक्सपेंस 2500 रुपये और शॉप रेंट 100 रुपये से। तो गाइस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम खर्चे घटाएंगे तो 2627 रुपये 31 पैसे हमारे पास नेट प्रॉफिट बच जाएगा। और ये जो नेट प्रॉफिट जो आएगा ये हमारा कैपिटल अकाउंट के अंदर कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे कैपिटल अकाउंट हमारा ये तैयार हुआ है, 3 नंबर स्टेप है जो, उसके बाद ये कैपिटल इंट्रोड्यूस कि हमने वर्ष के दौरान कितनी पूंजी लगाई थी वो भी हमें ट्रायल बैलेंस से पता चल जाएगा। ये राजेश कुमार का लेजर है, 50,000 रुपये हमने क्रेडिट किया है, यानी कि 50,000 रुपये से हमने बिजनेस शुरू किया था तो 50,000 रुपये हम कैपिटल इंट्रोड्यूस उसको बोलते हैं, वर्ष के दौरान लगाई गई पूंजी। और एड नेट प्रॉफिट, भी साल के दौरान कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो ऐड करेंगे, अगर लॉस हुआ था नेट लॉस तो हम इसको माइनस कर देते हैं। तो अभी ड्राइंग्स यानी कि पर्सनली खर्चा कैपिटल का कोई है नहीं, तो AGT जिसकी क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा और ये क्लोजिंग बैलेंस हमारा बैलेंस शीट के अंदर कैरिड फॉरवर्ड हो गया। कहते हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था तो यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट ही लिखा था, लेकिन जब बैलेंस शीट बनती है तो उसमें लाइबिलिटीज और एसेट्स लिखा जाता है, ये हमें विशेष ध्यान रखना है। और ये हमारी कैपिटल अकाउंट, अब कैपिटल अकाउंट 52,627 रुपये 31 पैसे, ये कहाँ से आया, ये हमारा कैपिटल अकाउंट से, ये जो क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है ये हमारा बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है। और इसके बाद में हमारा सेंड्री क्रेडिटर, यानी कि राम इंटरप्राइजेस, हमने राम इंटरप्राइजेस को 20,471 रुपये का भुगतान अभी करना है, ये हमें कहाँ से पता चलेगा, ट्रायल बैलेंस से। अगर हम राम इंटरप्राइजेस का अगर लेजर देखें तो ये लेजर है गाइस, इसका 35,471 रुपये क्रेडिट है, यानी कि 35,471 रुपये का हमने इसे सामान खरीदा था, उसके एवज में अभी तक हमने 15,000 रुपये का ही भुगतान किए, तो शेष हमारे पास ये बचेगा 20,471 और ये 20,471 रुपये हमारा बैलेंस शीट में आ जाएगा, यानी कि ये लाइबिलिटीज, यानी कि हमारी तरफ से देनदारियाँ, हमारी बिजनेस की श्री श्याम ट्रेडर्स की देनदारियाँ इतनी। उसके बाद सैंडी डेप्टर्स, अब सैंडी डेप्टर्स कौन हो गया, हमारे कस्टमर जिससे हमने पैसा लेना होता है। अब मुकेश कुमार से हमने 356 रुपये लेने हैं, अब ये हमें कैसे पता चलेगा, ये भी हमें ट्रायल बैलेंस से ही पता चलेगा। अब मुकेश कुमार 2856 रुपये डेबिट है और 2500 रुपये क्रेडिट है, यानी कि डेबिट ज़्यादा है और क्रेडिट कम है, तो इसका मतलब ये डिफरेंस है जो हमने लेना ही है, तो 356 रुपये हम उससे मांग रहे हैं, तो 356 रुपये को यहाँ पर लेके जाएंगे। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक एज पर ट्रेडिंग अकाउंट, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक यानी कि कितने स्टॉक हमारे पास है बचा हुआ है, तो इस क्लोजिंग स्टॉक को हम कहाँ से लेके आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में से, यानी कि 27,415 रुपये 31 पैसे, ये हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है। उसके बाद कैश इन एंड, यानी कि हमारे पास कैश कितना बचा हुआ है, ये भी हमें ट्रायल बैलेंस से ही पता चलेगा। अब कैश बैलेंस, अब 58,952 टोटल हमारे पास बिजनेस में आया था और 22,000 रुपये आउट हुआ है, तो इसका मतलब 36,952 रुपये अभी भी हमारे बिजनेस के अंदर है, तो 36,952 रुपये कैश इन एंड। अब आएगा बैंक बैलेंस, यानी कि HDFC बैंक का बैलेंस कितना है, तो ये भी हमें ट्रायल बैलेंस से ही पता चलेगा। अब 21,500 बैंक की तरफ डेबिट है और 13,125 बैंक के क्रेडिट है, यानी कि हमने बैंक को 21,500 रुपये दे रखे हैं और 13,125 रुपये उसे ले रखे हैं, इसका मतलब 8,375 रुपये अभी भी हम बैंक से मांग रहे हैं, तो ये 8,375 रुपये यहाँ आ जाएगा। तो गाइज अब इस तरीके का हम पूरी टोटल यहाँ पर लगाएंगे इसका, तो इसका टोटल हम पूरा यहाँ तक लेंगे, तो ये हमारी बैलेंस शीट का जो टोटल है बिल्कुल बराबर आएगा।
गाइज अब ये इतनी आसानी से हमारा इसलिए मिल गया क्योंकि हमारा ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी तैयार था। गाइज हमने पिछली वीडियो में ट्रायल बैलेंस हमने बनाना सीखा था। ये आसानी हो जाती है भी जब एक बुक्स को फाइनल करना होता है उससे पहले ट्रायल बैलेंस बनाना क्यों ज़रूरी होता है। गाइज अगर हमारे पास ट्रायल बैलेंस अगर नहीं बना होता तो हमें बहुत मुश्किल होती आगे बुक्स को फाइनल करने के अंदर। अब हमने सारा डाटा इसे ट्रायल बैलेंस को देख के ही सारा डाटा तैयार कर दिया। अगर हमारे पास ट्रायल बैलेंस नहीं होता तो हमें यहाँ से लेज़र से सारा डाटा तैयार करना पड़ता। अगर लेज़र में किसी भी टाइप की अगर कोई मिस्टेक होती तो हमें बुक्स के अंदर वहाँ पे भी परेशानी होती, उतना डिफरेंस हमारा बुक्स में भी आता। तो गाइज जब भी कोई फाइनल बुक्स की फाइनल अकाउंट तैयार होता है मैनुअल बुक्स के अंदर तो उससे पहले ट्रायल बैलेंस ज़रूर बना लेना चाहिए ताकि हमें फाइनल डाटा में कोई परेशानी ना हो। तो गाइज अगर आपको ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है ये नहीं पता तो हमने पिछली वीडियो के अंदर इसको बताया था और इस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब वहाँ पे इस लिंक पे जाके इस वीडियो को डाउनलोड कर लें और ज़रूर इस वीडियो को देखें आप ताकि आपको बुक्स के फाइनल डाटा के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करना और शेयर भी इसको ज़रूर करना। तो गाइज ये हमारे चार स्टेप थे, कौन कौन से, फर्स्ट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट था, दूसरा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा कैपिटल अकाउंट और चौथा बैलेंस शीट। गाइज इन सभी की कड़ी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट शुरू में नहीं बनाएंगे तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता चलेगा और जब तक ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता चलेगा तब तक हमें नेट प्रॉफिट नहीं पता चलेगा और जब तक नेट प्रॉफिट नहीं पता चलेगा तब तक हमारे पास कैपिटल का बैलेंस नहीं पता चलेगा और जब तक कैपिटल का बैलेंस नहीं पता चलेगा तब तक हमारी बैलेंस शीट तैयार नहीं होगी। तो गाइज इसलिए इनको चारों को स्टेप टू स्टेप तैयार किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फाइनल पे जाके बैलेंस शीट बनती है। तो गाइज लास्ट में ये बैलेंस शीट का टोटल हमारा बराबर आना चाहिए। अगर ये बराबर आ रहा है तो इसका मतलब हमारे बुक्स का डाटा बिल्कुल ओके है। तो गाइज आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।